What's up guys? Welcome to your weekly dose of happiness. US में रहते हुए मुझे लगभग एक साल हो गया है. And I live in San Francisco Bay Area, which is the most expensive area to live, not only in the United States, but in the entire world. अगर यहाँ पे आपको सिर्फ एक 1 BHK apartment rent करना है ना, तो आपको $2,300-$2,400 से कम कुछ नहीं मिलेगा. और ये मैं एक नॉर्मल अपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, और यूटिलिटीज की बात तो कर ही नहीं रही हूँ. चलो भाई, लिविंग एक्सपेंसेस असाइड, उसका वीडियो फिर कभी बना लेंगे. टुडे आई विल गिव यू अ वॉकिंग टूर ऑफ द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ बे एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स. San Francisco Bay Area is a part of California, and California is known for its beautiful weather. तो जहाँ पे सर्दियों में ऐसी बर्फ वाली ठंडी पड़ेगी और गर्मियों में वैसी दिल्ली वाली गंदी गर्मी नहीं पड़ेगी. ज्यादा से ज्यादा आपके आफ्टरनून थोड़े हॉट होंगे, लेकिन आपकी मॉर्निंग एंड इवनिंग विल बी कूलर. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू हैव टू वेयर लाइट जैकेट इफ यू आर स्टेपिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. इनफैक्ट जैसे अभी हवा चल रही है ना, दोपहर को 1:30 बजे से लेके 5-6-7 बजे तक ऐसी हवा चलती है, और गर्मियों में ना पता ही नहीं चलता. इनफैक्ट यहाँ की जो गर्मी है ना, इट्स ड्राई समर, अनलाइक इन इंडिया विच इज वेरी यू नो वेट एंड ह्यूमिड. मेरे पीछे ये ड्रेनेज देख रहे हो, तो ये आपको लगभग हर एक एरिया में मिलेगा. तो सिटी इज प्लान्ड इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी एरिया हैज गॉट दिस ड्रेनेज सिस्टम, एंड इट प्रोटेक्ट्स द सिटी ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड. One of the best things about the residential area here is that each and every residential area has got a very very easy access to the park. तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से एक पार्क सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, दूसरा पार्क सिर्फ 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और जो यहाँ का मेन सिटी पार्क है इट इज अबाउट 40 minutes walking distance away, which is like 10 minutes drive away. Yes, this is the park which is just 10 minutes away from where I live. और आप देख रहे हो पीछे मेरे, ये ग्राउंड है जहाँ पे कोविड से पहले बच्चे आते थे, खेलते थे बास्केटबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा. पर आफ्टर कोविड पब्लिक एक्सेस टू द पार्क इज नॉट अलाउड. अभी खुल गया है बट यू कैन नॉट सिट हियर एंड हैव योर पिकनिक्स एंड ऑल. तो पहले मैं यहाँ पे आती थी दोपहर को, और मैं यहाँ पे बैठ के अपनी किताब पढ़ा करती थी, लेकिन नाउ इट्स नॉट अलाउड. आप मेरे पीछे देख रहे हो ये येलो कलर का रिबन, इसका मतलब ये है कि पार्क इज क्लोज्ड. तो यहाँ से चलते हैं, और मैं अब आपको एक दूसरी जगह लेके चलती हूँ. बे एरिया इज द मोस्ट डाइवर्स एंड मल्टी कल्चरल एरिया इन द वर्ल्ड. और होगा क्यों नहीं भाई, इट्स अ होम टू सिलिकॉन वैली, जहाँ पे दुनिया के हर एक जगह से लोग आते हैं. बी इट इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, रशिया, मलेशिया, हर जगह से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं. तो इस रीजन से सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. हम रहते हैं सांता क्लारा काउंटी में, जहाँ पे आपको 10-10, 15-15 मिनट के ड्राइव में इंडियन ग्रोसरी शॉप्स आराम से मिल जाएगी, जहाँ पे आटा, चावल, MDH मसाले, प्रिया का अचार, चिप्स, इवन मैंने एक बार देखा था मुझे चुटकी भी मिली थी, स्वाद की गोलियां, इवन हाजमोला भी मिलता है. तो अभी हम आ गए हैं एक इंडियन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में. नहीं नहीं, इसका नाम इंडियन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं इसको इंडियन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द आइटम्स दैट आर सोल्ड आर इंडियन. तो अगर आपको पानी पूरी खानी है, या फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग कराना है, या ग्रोसरी शॉपिंग करना है, या आइसक्रीम खानी है, या डोसा खाना है, देखा आपने, एक्सेस टू ग्रोसरी आइटम्स एज वेल एज इंडियन फूड इज वेरी कन्वीनियंट. आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि कभी ये सैन फ्रांसिस्को बे एरिया बोलती है, कभी बे एरिया बोलती है, तो ये है क्या? तो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, SF बे एरिया या बे एरिया बोलो, सब एक ही चीज है. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया इज मेड अप ऑफ 9 counties. जैसे सांता क्लारा एक काउंटी है जहाँ पे हम रहते हैं, और सैन फ्रांसिस्को इन इटसेल्फ इज अ काउंटी. एंड द मेजर सिटीज ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया आर सैन होजे, सैन फ्रांसिस्को, बर्कली, ओकलैंड एक्सेट्रा. एक और चीज जो बे एरिया की बहुत अच्छी है वो ये है कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा है. आपको थोड़े थोड़े माइल्स में डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे. इससे याद आया, चलो आपको यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिखाते. ओके, सो दिस इज अ बस स्टॉप. हाँ जी, दिस इज अ बस स्टॉप, एंड यू कैन मेक आउट दैट दिस इज अ बस स्टॉप बाय दैट बोर्ड. एंड द बस नंबर विच रन्स थ्रू दिस रूट इज नंबर 21. ओके, सो देयर आर डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ बस स्टॉप्स विद इन द सिटी, एंड दी बस इज सपोज टू स्टॉप ओनली एट दैट बस स्टॉप. तो यहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं होता कि
कंडक्टर होगा बस के अंदर और आप कंडक्टर को बोलोगे कि भैया गाड़ी रोक दो. तो देर इज एन इंटरनल सिस्टम थ्रू विच यू कैन लेट द ड्राइवर नो दैट यू हैव टू गेट डाउन, और जो ड्राइवर होगा वो गाड़ी रोक देगा और आप निकल जाओगे. तो चलो बातें करते करते हम कैल ट्रेन स्टेशन भी पहुंच गए. दिस इज द एंट्रेंस टू द कैल ट्रेन स्टेशन एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म. इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ अ वेरी फनी इंसिडेंट. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रेन बोर्ड करने के लिए आई थी, देन आई वॉज ऑफ द इंटेंशन कि जैसे दिल्ली में होता है कि काउंटर होता है, यू पे द मनी एंड द पर्सन विल गिव यू अ टिकट. और मैं यहाँ पे ढूंढती रही कि यहाँ पे मुझे कोई काउंटर ही नहीं मिला. एंड देन आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हियर इज ऑटोमेटिक. तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर करोगे, हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्स टू बोर्ड द ट्रेन वो एंटर करोगे, और यहाँ पे अपना कार्ड एंटर करोगे, यहाँ पे पैसे डालोगे एंड देन यू विल गेट योर टिकट फ्रॉम हियर. गाइज आई होप आपको बे एरिया का इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत इस वीडियो से मिल गया, बिकॉज देर इज मच मोर टू द बे एरिया, द फूड, द प्लेसेस टू सी एंड ऑफ कोर्स द सिलिकॉन वैली. सब कुछ एक ही वीडियो में थोड़ी ना देखोगे. आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज भी बताओ. And stay tuned for more doses of entertainment every week.